जोहार प्रणाम आप सभी को बिली लवली ब्लॉग में स्वागत है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं समुंदर में, जिस समुंदर में अपना सब कुछ गवा बैठे, जो भी था हम लोग का मोबाइल वगैरह सब कुछ गवा बैठे, उसी में फिर वापस जा रहे हैं। तो देखते हैं आज ये मोबाइल को भी गवाना है। तो फिलहाल अभी सुबह सुबह उठ गए हैं और धूप भी खिल गया है और मौसम भी बहुत साफ कर दिया है, बहुत मौसम ख़राब था। और हम लोग जा रहे हैं उस बीच में जहाँ पे बर्बाद हुए थे। ये आ गए हम लोग समुंदर के बीच में, चारों तरफ सुबह सुबह का नज़ारा देखिए। अभी तो लगभग खाली खाली लग रहा है इधर, ये तो इधर बैक साइड तरफ है, इधर ही खाली लग रहा है। हाँ, इससे मन कही हम दोनों को नहाने के लिए, जब तक राकेश लोग रेडी होता है तब तक हम लोग रेडी होते हैं। नहा नहीं नहाएंगे, हम नहाएंगे, बस नहाना तो नहाना है बस। नहीं नहीं क्या, तो इधर शंख वगैरह सब मिलता है। ये देखिए यहाँ पे बच्चा तो जाए शंख बेच रहा है, बोरा वोरा में, बोरा नहीं है मतलब बैग में शंख भी मिलता है, बड़ा बड़ा हैवी हैवी लेंगे, आके लेंगे। और देखिए समुंदर का नज़ारा इधर, ऊट वगैरह पूरी बीच एकदम, इस साइड से ना बहुत मज़ा लगता है। और देखिए इतना मस्त लग रहा है ना, इधर से जाए बार आओ ना, डेली एक बार घूमने आ, क्या मज़ा आएगा। डेली सुबह को आओ, काश हम लोग घर इधर रहते, काश हम लोग यहाँ पर रहते तो डेली आते अपना आने के लिए समुंदर बीच, और अपना शरीर का मतलब जितना नमक से एकदम छला लेते, जितना नमक पानी आएगा ना, नमक पानी से जितना ज़्यादा नहाएंगे हाँ तो छला जाएगा कुछ ज़्यादा ही। और देखो ना उधर उस साइड देखिए कितना सारा बोट, बोट का नज़ारा। और ये देखिए चारों तरफ सुबह को ही भीड़ आना चालू हो गया, मतलब इतना आदमी आना चालू हो गया, क्या बोले, धीरे धीरे सुबह को ही बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया। कुछ अलग ही नहीं लग रहे हैं ज़्यादा, हम लोग इधर ही ठीक है, जूते उधर उधर फालतू का 20 रुपये का टिकट दे दिए सर, कल हम लोग गोल्डन बीच गए और गोल्डन बीच में फालतू का 20 रुपये टिकट दे दिए, बोलता है कि ब्लू बीच है, ब्लू समुद्र है। ए भाई ब्लू समुद्र है ठीक है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा, ब्लू तो कहीं दिख नहीं रहा है, इसी तरह तो दिख रहा था जैसा है। ये देखिए इधर भी तो ऐसे ही दिख रहा है, तो उधर भी ऐसे ही दिख रहा है, तो नज़ारा कल तो अभी कोई उतना दूर जा ही नहीं पाएगा, अभी पूरा हवा में उड़ा रहा है, आज खतरनाक उड़ा रहा है। कल हम लोग कहाँ थे, कल हम लोग कहाँ थे, बाप रे अभी तो एकदम गजब लग रहा है, गजब इस समय गजब लग रहा है। लाए नहीं है बाबा, पैसा लेके ही नहीं है, यहाँ नहाएंगे कैसे पैसा लाएंगे। बाबा पैसा मांग रहा है और हम लोग नहा रहे, कुछ पॉकेट में नहा रहेंगे तो पैसा कैसे लेके आएंगे। आज पूरा पानी का मजा गजब लग रहा है क्या, अगर मन कर रहा है जाने का। देखो मम्मी ऐसा साड़ी पहन के आगे साड़ी पहन के आने में दिक्कत होता है, फोटो लेते चलो फोटो लेते हैं, मस्त नज़ारा लग रहा है। ये हम लोग का पूरी बीच है, सी बीच समुंदर साइड तरफ एकदम मस्त लग रहा है एकदम, उस साइड नाव तरफ कितना एकदम है, बापरे नाव तो कितना ही है ना, सुबह को ज्यादा ही आता है, सुबह को ज्यादा हवा आता है, क्या क्या नज़ारा है हमारे भारत में हम लोग है पता नहीं चलता है, मतलब मजा एंजॉयमेंट सब कुछ, मन करता है कि हर महीना आए यहाँ एक बार नहाने के लिए, मन ही नहीं पड़ रहा। आखिरी सब नहीं दिख रहा नहीं, हाँ दिख रहा है, देखो 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 देखना ठीक, नीचे देखना नीचे, अरे देखो 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 यहाँ 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 देखो देखो, ये देखिए छोटा 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 खाकरी फर्स्ट से अपने जगह में घुस जाएगा, ये कैसे चल रहा है, इसको पकड़ ही नहीं सकते, इतना स्पीड भागता है ना, पकड़ ही नहीं सकते, पैसा में बिल घुस जाएगा, बिल बना हुआ है ये सब में फर्स्ट से घुस जाता है। क्या मोहब्बत है क्या नजारा, चलिए हम लोग का बीच का सुबह का मॉर्निंग का आज हो गया, मॉर्निंग में यहाँ पे बीच वगैरह घूम लिया और इसके बाद अपनी वापस जा रहे हैं, क्योंकि जाना हम लोग को जगन्नाथ मंदिर। मोबाइल पकड़ा जगन्नाथ मंदिर में घूमने नहीं देता है, पिछला बार आए थे शायद मंदिर के अंदर शायद मोबाइल अलाउड नहीं था, सब कुछ बाहर में जमा ले लेता है, तो वहाँ पर हम लोग को सबसे पहले मोबाइल वगैरह जमा करना रहता है। तो यहाँ का सफ़र बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से तो ऐसा लग रहा है जाने का मन ही नहीं कर रहा है, कुछ दिन और रुके और जाता, हम लोग तो लंबा टूर पे आए, कम से कम 3-4 दिन के लिए रुकने के लिए आए, तो आज चलते हैं मंदिर, फिर शाम को आएंगे बीच में और फिर चलेंगे क
कल जाएंगे पूरा भुवनेश्वर अगर हर मंदिर घूमने के लिए। मोबाइल खराब हो गया मेरा, थोड़ा सा मूड खराब हो गया था, लेकिन चलो तुम्हारा वाला मोबाइल है काम में दे रहा है, वाला बचा गया बाबा, ये वाला काम में दे रहा है। यहाँ का सफर आज घूम के आ गए, यहाँ का मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा है। और आज ये तो मतलब भीगे नहीं अभी, जाके तो बस नहाएंगे और जाएंगे मंदिर की ओर, और मंदिर जाने के बाद फिर उसके बाद फिर आपका दूसरा रील सुनाएंगे। हम लोग रेडी हो चुके हैं दोनों, और जाएंगे हम लोग मंदिर पूरा फ्रेश, कपड़ा वपड़ा नया नया सब दूसरा चेंज करके पहन लिए हैं, धुला हुआ होना चाहिए। तो बस हम लोग दोनों रेडी हो गए हैं, हम लोग का सब कुछ गेटअप सेटअप रेडी, और अब चलेंगे हम लोग जगन्नाथ मंदिर जो सामने ही है। करीबन टोटो से जाना पड़ेगा, मतलब सामने मतलब 2-3 किलोमीटर है, फिर भी हम लोग को टोटो वगैरह बुक करके ही जाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं और मंदिर की ओर चलते हैं, और शाम को टाइम मिलेगा तो फिर बीच पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद बीच का मज़ा ही कुछ और है, मतलब बिना बीच जाए मज़ा नहीं लग रहा। अभी सुबह सुबह गए थे बीच, बहुत अच्छा लगा, और फिर दोबारा जाएंगे, क्या चलना है ना शाम को, क्योंकि 2-3 दिन के लिए तो आए हैं, और समुंदर का मज़ा ना ले तो फिर क्या मज़ा। तो फिर अभी चलेंगे मंदिर, मंदिर के आने के बाद चलेंगे। तो सिंपल ड्रेसअप में जा रहे हैं, चले ये पता नहीं, मेरा मोबाइल तो खराब हो गया, सब बेकार हो गया, उधर कोना में पड़ा हुआ है, यहाँ देखिए रबड़ बना के कुछ काम का नहीं है, जब तक उसको सर्विस सेंटर में नहीं डालेंगे कुछ नहीं होगा, चल बाद में डालेंगे। चल रहा है ऑटो, हम लोग अंदर तक लेके नहीं गया, बाहर में अंदर तक जाएगा पूरा जाम लग जाता है, रास्ता देख रही है सब पतला पतला, मतलब एक इधर से अगर ऑटो जाता है तो उधर से फिर आएगा, दिक्कत हो जाता है, इसीलिए लोग चले जा रहे हैं। मंदिर का रास्ता जैसे गली को क्या तरफ से गली गली में होकर जाना पड़ेगा। उतने के लिए देखिए कैसा बैरिकेड पूरा बनाया गया इस लाइन पे, हम लोग जा रहे हैं इस साइड, इस साइड से जा रहे हैं मंदिर, पूजा वूजा के लिए प्रसादी ले लिए, यहीं से बाहर से ही लेके जाना पड़ता है क्योंकि अंदर में मिलता नहीं है, बोला तो जा रहा है कि अंदर मिलता नहीं है, अब देखते हैं वहाँ पर खाने का प्रसाद चाहिए। हम लोग चप्पल वगैरह रख सकते हैं अंदर जगह है, ये देखिए मंदिर का परिसर में कितना अच्छा है, भी बना दिया, सिक्योरिटी वगैरह बस सेफ्टी से सब कुछ फ्री सर्विस। यहाँ हम लोग को बैग लेना पड़ेगा, और बैग में लेकर ये देखिए फ्री सर्विस जमा यही हो रहा है ना, चप्पल खाजा प्रसादी ले लेते हैं, खेल दो ये हो गया जगन्नाथ मंदिर का फिर जाने का रास्ता है, इधर से आने जाने के लिए बनाया गया है, उनका आज हम पूरी तरह बनाई गया, फिर को मेंटेन करने के लिए अलग बनाई गया, इधर से इधर जाने का हम लोग तो घुसे थे, इधर पूरा माइंड लग के घुसना पड़ता है, पूरा बैरिकेड चारों तरफ, ठीक है लाइन लग के जा रहा है, और इधर से पूरा खाली अभी नहीं है, ये तो इधर से जा रहा, अंदर जाएगा तब एसी लगा हुआ है, पूरा चेंजिंग किया, देखिए कितना यहाँ पे एसी लगा दिया गया, बड़ा और बनाया गया, ये तो सब एसी है, ये सब एसी लगाएगी, हम लोग खाना है खाली, हम लोग भर रहा है अभी खाली है फिर भरेगा, खाली खाली था अब भर गया, रोटी नहीं सब लोग लाए चुके हैं, फाइनली टोटो वोटो मिल गया है, 60 रुपया 60 रुपया करते करते, एक बार 60 से ज्यादा दिया, एक बार नहीं मटन हो क्या खाना चाहिए, स्वर्ग द्वार यहाँ का बीच एक जगह पर मटन है, इसमें ये पूरा एसी वाला यहाँ का देखिए मंदिर वाला बिरयानी पड़ा, अब इधर तुम्हें चिकन अंडा सब मिलेगा, इधर कॉरिडोर वो घरे लग गया वो भेज वाला, ये तो काट में चिकन
चिकन चिल्ली खाए। हाँ फाइनली हम लोग रूम पहुंच गए हैं। रूम पहुंचने के बाद इसे सरिया ही है, तमाम सब प्रसादी सभी तैयार रख दे रही है। ये सब प्रसादी सब अलग करके रखना है और इसे जाते समय याद से ले लेना। और झोला ले, झोला पहले तो एक झोला लेना पड़ेगा, और नहीं तो एक झोला था हम लोग के पास, उसको ले जाएंगे सेफ्टी से। और नहीं तो एक काम करेंगे ना, मेरा बैग तो है, बैग तो हम रख देंगे क्या, हाँ प्लास्टिक में चप्पल भर देंगे ना, तो झोला में सारा प्रसादी हम लोग का झोला घर से लेके आए। आते ही चूड़ी सब खोल दे रही है, भगवान का वहाँ सब चढ़ाया हुआ चूड़ी सब को। बहुत सारा धूप, इतना गर्मी, मंदिर से घूम के आए और फिर जाएंगे शाम को सी बीच तरफ। और कल घूमने जाएंगे हम लोग, कल हम लोग घूमने जाएंगे कहाँ, टूर में कल निकलेंगे। टोटल जितना मंदिर है भुवनेश्वर का जहाँ है, यहाँ पे ट्रिप वगैरह में लेके चलते हैं, एक डिजायर वगैरह कुछ भी बुक करेंगे फोर व्हीलर ए सी वाला, और उसमें आराम से घर में भी हम चारों जन जाएंगे। तो फिलहाल आज का तो यहाँ पे ये जो मंदिर से आ गए बहुत अच्छा लगा, अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, इसीलिए हम लोग को मंदिर के अंदर हम लोग फोन नहीं ले जा पाए, बार बार थोड़ा बहुत वीडियो बनाए।